जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। भाजपा पार्षद अजय चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा को सस्पेंड किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने चारों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी भी किसी मेयर को सरकार ने इस तरह से आरोप के मामले में सस्पेंड नहीं किया था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर डीएलबी के डायरेक्टर दीपक नंदी ने महापौर सौम्या गुर्जर को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। सरकार ने आयुक्त से मारपीट की घटना की न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया है। तब तक मेयर और पार्षद सस्पेंड रहेंगे। मेयर को पार्षद पद से भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेयर और आयुक्त यज्ञ मित्र देव सिंह के बीच शुरू हुई तीखी बहस के बाद तीन पार्षदों पर बैठक छोड़कर जा रहे आयुक्त का हाथ पकड़कर धक्का मुक्की और पिटाई करने का आरोप लगा था। आयुक्त की शिकायत पर तीन पार्षदों पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं इस घटना की सरकार ने शुरुआती जांच करवाई, जिसमें मेयर और तीन पार्षदों को घटना के लिए जिम्मेदार माना और विस्तार से जांच की सिफारिश की गई। आगे जांच का हवाला देकर इन्हें सस्पेंड किया गया है। देखिए, सच का रास्ता कठिन होता है, ये पड़ा था पर अब देख भी रही हूँ, पर मैं हमेशा सच के ऊपर थी और सच पर रहूँगी और मेरे को कोई भी नहीं डगमगा सकता। और सरकार का इस तरह दुर्भावनापूर्ण जो कार्य, मेरे को निलंबन करके जो काम किया है वो गलत है। और इस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि को और हटाया गया, निलंबन की कार्रवाई की गई बिना कोई पक्ष जाने हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर काम कर रहे हैं क्यों? इस तरह के ढकोसलेबाजी करने की क्या जरूरत है? इस तरह की जादूगरी की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। और सरकार को जो है अपने रवैये को चेंज करना पड़ेगा, इस तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं करे। राज्य सरकार ने जयपुर ग्रेटर निगम की भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित मेयर और तीन पार्षदों के खिलाफ निलंबन की जो कार्रवाई की है वो सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है, अलोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि राजधानी में कांग्रेस को हार का इतना मलाल था कि बहुत अरसे से वो षड्यंत्र रच रही थी, पहले कमेटियों के मामले में, उसके बाद बजट के मामले में ये भेदभाव लगातार करती रही और उसकी परिणति कल इस रूप में हुई है। अधिकारियों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में सामान्य विवाद अक्सर होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुकदमों में तब्दील हो जाएं, और वो भी कब इस तरीके से कि देश प्रदेश में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं हुई, गैंगरेप की घटना में तो अपराधी इतनी तत्परता से पकड़ा नहीं जाता, दबिश नहीं दी जाती, इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन इस तरीके से सामान्य वाद विवाद को आपराधिक मुकदमों में तब्दील करना ये सरकार की हिटलरशाही का एक नमूना है। महापौर को निलंबित किया है, मेरी उनसे प्रार्थना है कानून को पढ़ लो, कम से कम उसके सुपीरियर अधिकारी ही उसकी जांच कर सकता है, वही जांच रिपोर्ट दे सकता है, कानून को पढ़ लेना। आपने जिसके आधार पर जांच कराई वो उसके नीचे की रहने वाली अधिकारी, आरएस अधिकारी है रेखा नाम की कोई, अब एक आईएएस की जांच वो करके और रिपोर्ट दे और उसके आधार पर सरकार एक्शन कर ले, और एक्शन करे कोई दिक्कत नहीं, पर सामने वाले को भी अपना पक्ष रखने का मौका दोगे? आपने जिनको सस्पेंड किया महापौर को, उसको कम से कम उसकी बात कहने का अधिकार तो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में है।